हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वह भी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो टॉपिक हमारा क्या है, वो हमारा टॉपिक है प्रथम ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार। हेडिंग से ही हमें या टॉपिक से ही हमें ये पता पड़ रहा है कि इस पुरस्कार की घोषणा पहली बार की गई है, प्रथम। मैं हूँ विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। इसकी पुरस्कार की घोषणा कब की गई, तो इस पुरस्कार की घोषणा जो है वो 21 जुलाई 2024 को की गई। और इस पुरस्कार की घोषणा किसने की, इसकी जो घोषणाकर्ता थे वो थे ओमन चांडी फाउंडेशन। अब बात ये आती है कि ओमन चांडी कौन थे, तो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ओमन चांडी की स्मृति में यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसमें किसका चयन किया गया है, अर्थात इस पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है, तो इस पुरस्कार का चयन जो है वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए किया गया है। अब देखिए प्रश्न यहाँ किस किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं। एक तो प्रथम ओमन चांडी पुरस्कार जो है, लोक सेवक पुरस्कार जो है, किसे देने की घोषणा की गई है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, राहुल गांधी। राहुल गांधी के बारे में एक बात आपको और बता दें कि वो 18वीं लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न और क्या फ्रेम हो सकता है कि 18वीं लोकसभा में कौन प्रतिपक्ष का नेता है, तो वहाँ पर भी उत्तर हमारा क्या होगा, वहाँ पर भी हमारा उत्तर होगा राहुल गांधी। एक और प्रश्न क्या क्रिएट होता है कि राहुल गांधी किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए हैं, तो राहुल गांधी जो हैं वो रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए हैं। अब इस पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है और क्या दिया जाता है, तो इस पुरस्कार के विजेता को ₹1,00,000 की धनराशि, प्रसिद्ध कलाकार एवं फिल्म निर्माता नेमश पुष्पराज द्वारा बनाई गई प्रतिमा दी जाती है। अब यहाँ एक बात और क्या इंपॉर्टेंट है कि केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। प्रश्न किस तरह से फ्रेम होता है कि वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा, पिनराई विजयन। वर्तमान में केरल के राज्यपाल कौन हैं, तो वर्तमान में केरल के राज्यपाल जो हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल के बारे में एक बात आपको और बता दें कि हाल ही में केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर जो है वो केरल का नाम बदल कर केरलम करने की को एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। एक जीके एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें।